फ्री फायर मैक्स के अंदर तो डैमेज इंडिकेटर को चेंज कर दिया गया, पर हमारी नॉर्मल फ्री फायर एपीके का क्या? क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर करीबन 70% से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो नॉर्मल फ्री फायर के अंदर खेलना पसंद करते हैं, तो उसके अंदर हमें यहाँ पर डैमेज इंडिकेटर कैसे चेंज करना है और ये कब तक देखने को मिलने वाला है। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊँगा कि आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल फ्री फायर के अंदर कैसे अपडेट करना है और कैसे आप लोगों को न्यू वाला डैमेज इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर फ्री फायर मैक्स के अंदर खेलना पसंद करते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, आपको 10 MB का अपडेट देखने को मिल जाएगा, उसको अपडेट करना है और आपको यहाँ पर ट्राई करना, आपको न्यू डैमेज इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों आपको बॉडी के ऊपर येलो कलर का और हेड के ऊपर आप लोगों को डार्क ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा। पर दोस्तों मुझे लगता है गाइस फिर अगर यहाँ पर बॉडी के ऊपर व्हाइट कलर देता ना येलो के अलावा तो यार वो कुछ ज़्यादा ही बेहतर होता, पर दोस्तों हेड के ऊपर गाइस फिर ने यहाँ पर डार्क ऑरेंज दिया जो कि काफ़ी बेहतर मुझे कलर लग रहा है पहले के तो मुकाबले। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने अभी तक फ्री फायर मैक्स को अपडेट किया या फिर नहीं किया और आप लोगों को न्यू डैमेज इंडिकेटर कलर कैसा लगा, आप लोग ये भी कमेंट करके बताना। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं नॉर्मल फ्री फायर के अंदर आप लोग यहाँ पर कैसे अपडेट कर सकते हैं जिससे दोस्तों आप लोगों को न्यू डैमेज इंडिकेटर देखने को मिल जाए। तो भाई देखो अभी तक गरीना फ्री फायर ने ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं डाला है नॉर्मल फ्री फायर के लिए जिससे दोस्तों आप लोग यहाँ पर फ्री फायर के अंदर अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर आप लोगों को पता है कि फ्री फायर जो है वो बैन है, इस वजह से यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर फ्री फायर का कोई भी अपडेट नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा और ना ही दोस्तों आपको इन गेम के अंदर कोई भी ऐसा मिनी या फिर छोटा मोटा अपडेट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को सिर्फ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक इंडिया के अंदर फ्री फायर अनबैन नहीं होगा तब तक दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इसका डैमेज कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप लोग यहाँ पर VPN के थ्रू फ्री फायर को अपडेट कर लीजिए या फिर आप लोग कुछ भी कर लीजिए, आप लोगों को न्यू डैमेज इंडिकेटर फ्री फायर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए बस आप लोग को वेट करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि दोस्तों नेक्स्ट मंथ सितंबर में 15 सितंबर तक आप लोग को गेम फ्री फायर इंडिया पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइम गरीना फ्री फायर जो कोशिशें कर रहा है ना इंडिया के अंदर फ्री फायर को वापस लाने की, शायद दोस्तों वो कोई और कंपनी भी नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोशिशें बहुत कोशिश कर रहा है फ्री फायर। फ्री फायर ने दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मुंबई के अंदर एक शूट करवाया जिसके अंदर गरीना फ्री फायर ने यहाँ पर मैक्सिम और कैली के साथ में छोटा मोटा शूट आउट भी करवाया। ठीक है, उसका वीडियो मैंने आप लोग को इंस्टाग्राम पर डाल दिया, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ना ऑल पे सेट कर सकते हैं। अगर मुझे इन फ्यूचर नॉर्मल फ्री फायर APK को अपडेट करने का कोई तरीका मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर अपनी वीडियो के अंदर सजेस्ट करूंगा, पर दोस्तों अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे आप लोग यहाँ पर नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट कर पाए और आप लोग न्यू डैमेज इंडिकेटर के एंजॉय ले पाए। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप वगैरह से फ्री फायर को डाउनलोड करते हैं फिर कोई और ट्रिक अपनाते हैं तो भाई वो चीज़ मत करना, क्योंकि इससे आपकी ID के ऐड लग जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग आपकी ID को कभी नहीं खुलवा सकते अगर आपकी ID के साथ में कुछ हो गया तो। इसलिए आप लोग बस वेट करो, जब नॉर्मल फ्री फायर के अंदर आप लोगों को ये अपडेट देखने को मिलेगा तो आप लोग अच्छे से अपडेट कर लेना। फिलहाल दोस्तों अभी आप लोग सिर्फ यहाँ पर फ्री फायर मैक्स के अंदर ही अपडेट कर सकते हैं जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो जाइए फ्री फायर मैक्स को अपडेट कीजिए और न्यू डैमेज इंडिकेटर के एंजॉय लीजिए। होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल करना ऑल पर सेट करना। काफ़ी दिनों से मेरे चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आई थी पर आप लोगों को रेगुलर वीडियोस देखने को मिल जाएगी, जो मेरे इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं उन लोगों को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था इसी वजह से मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं आ पाती, तो जाइए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं तुम्हारी नेक्स्ट एंड न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।